हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप गाइस कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। और गाइस, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अमेजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में आपको गाइस नॉर्मल फोटो को अमेजिंग वाले लुक में चेंज करके दिखाने वाला हूँ। वो भी गाइस बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में आपको सिखाऊंगा। गाइस आपको एक ही स्टेप करना है, उसके बाद गाइस आपको जो फोटो है एकदम डी लाइटरूम और पिक्सआर्ट से भयंकर चेंज होके आ जाएगा। वैसे मैं आप लोगों से पहले यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो लोग भी इस वीडियो को करेंगे स्किप, तो वैसे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घाटा होने वाला है। वैसे इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए देखें, बिकॉज गाइस आप लोगों को इससे ज़्यादा ज़्यादा फायदा होगा और गाइस DSLR और लुक लाने आप लोग काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। और गाइस मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, ये स्नैपसीड यूज़र नहीं है वैसे उनके लिए मैं बता दूँ, स्नैपसीड का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में, वहाँ से आप लोग उसको ले सकते हो अपने फ़ोन में। तो वैसे चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो को और जाने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, अपने भाई का नाम भी जान लो, मेरा नाम है श्रवण और आप लोग देख रहे हो श्रवण फोटोग्राफी चैनल। तो वैसे मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो भी बंदा चैनल पे फर्स्ट बार आया तो प्लीज़ वीडियो कर देगा एक लाइक और चैनल को साथ साथ कर देगा सब्सक्राइब, ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग उस नोटिफिकेशन को देख के और भी नई नई फोटो एडिटिंग सीख सको। तो भाई चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हाँ, वही सिंपल आ चुके हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मेरा फेस जो है ऑलरेडी स्मूथ हो रखा है। अगर गाइस आप लोगों को फेस स्मूथ करना नहीं आता तो गाइस उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली उसको देख सकते हो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल से हम लोग लाइट में आ जाएंगे। लाइट में आ जाने के बाद गाइस हम लोग को यहाँ पर फोटो को हल्का कर लेंगे जूम, ताकि हम लोग को देखने में अच्छा लगे। और गाइस एक्सपोजर गाइस हम लोग 90 माइनस के अराउंड रखेंगे, नहीं एक्सपोजर को नहीं, इस एक्सपोजर को हम लोग प्लस रखेंगे गाइस इतना 12, वैसे आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो 11 प्लस के अराउंड रखा होगा इसमें एक्सपोजर को, यहाँ पर देख सकते हो। वैसे आप लोग अपने 17 हो गया गलती से, गाइस मैं इसको सही से मिला लेता हूँ। वैसे हम लोग को एक्सपोजर को 11 प्लस रखना है, 11 से ज़्यादा नहीं रखना है। हाँ गाइस, तो मैंने इतना के अराउंड रखा 11 प्लस के अराउंड। कॉन्ट्रास्ट को गाइस हम लोग को 1 प्लस के अराउंड रखना है, 1 प्लस, मैं उसको 1 प्लस करता हूँ। अच्छे से गाइस आप लोग मिला लेना अपने हिसाब से। कंट्रास्ट होगा इसमें 1 प्लस के अराउंड रखा हूँ। वैसे हाईलाइट को गाइस मैं जीरो और गाइस हाईलाइट को 15 के अराउंड में रखूँगा। गाइस आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, हाईलाइट 15 के अराउंड रखूँगा या मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईलाइट 15 के अराउंड। और गाइस शैडो को हम लोगों को यहाँ पे इतना के अराउंड रखना है, गाइस यहाँ पे आप लोग देख लो। और उसके बाद गाइस वाइट को हम लोगों को 40 माइनस के अराउंड रखना है, बस 40 मैंने माइनस के अराउंड रखा। और गाइस ब्लैक को हम लोग को 17 के अराउंड रखना है। यहाँ पे आप लोग मैं आपको दिखा देता हूँ, बैटरी लो हो रखा है गाइस, फिर मैं आप लोग बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो 17 के अराउंड रखना है ब्लैक को। उसके बाद गाइस हम लोग को इस वाले ऑप्शन पे आना, मिक्स वाले टूल पे आने के बाद गाइस फर्स्ट में आप लोगों को 90 माइनस के अराउंड रखना है ह्यू को। गाइस मैं यहाँ पे ह्यू को 90 माइनस के अराउंड रख देता हूँ, 90 क्योंकि मैंने 90 माइनस के अराउंड रखा है। सेचुएशन को गाइस हम लोगों को प्लस रखना है, 1 प्लस के अराउंड रखना है सेचुएशन को। गाइस मैं सेचुएशन को यहाँ पे 1 प्लस के अराउंड कर देता हूँ। ल्यूमिनस को गाइस आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। गाइस ल्यूमिनस को मैंने यहाँ पे 0 के अराउंड रखा है। गाइस उसके बाद ऑरेंज वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस यहाँ पर आप सिस्टम मैंने इसको 1 माइनस करके अराउंड रखूँगा। इसको ह्यू को मैंने 1 माइनस के अराउंड रखा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ह्यू को देख के रख सकते हो। उसके बाद गाइस सैचुरेशन को हम लोग -9 के अराउंड रखा हूँ, गाइस आप लोग अपने हिसाब से सैचुरेशन को देख के रख सकते हो गाइस। उसके बाद गाइस ल्यूमिनस को मैं 20 के अराउंड रखूँगा, गाइस आप लोग अपने हिसाब से देख के रख सकते हो 20 प्लस। उसके बाद उसके बगल वाले ऑप्शन पर आने के बाद हम लोग को 78 प्लस के अराउंड रखना है। इसको हम लोग को 78 प्लस कर देता हूँ, आप लोग ऐसे इसको 78 प्लस के अराउंड रखिएगा, 77 हो गया यहाँ पे। बस उसके बाद सैचुरेशन का हम लोग 75 के अराउंड रखेंगे। और उसके बाद ल्यूमिनस को हम लोग 49 के अराउंड यहाँ पर मैं रख 49 के अराउंड गाइस मैं यहाँ पर रख देता हूँ। गाइस यहाँ पर आप लोग हमारे फोटो में गाइस अभी कुछ स्टेप्स में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक आ चुका है। गाइस मैं आपको आफ्टर दिखा देता हूँ, यह गाइस बिफोर एंड आफ्टर गाइस देख सकते हो हमारे फोटो में काफ़ी ज़्यादा इन्हीं स्टेप में अमेजिंग लुक आ चुका है। आगे और ज़्यादा अमेजिंग लुक आने वाला। तो गाइस सिंपल से हम लोग को हरे वाले में आ गए,
हरे वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद गाइस उसको हम लोग को 100 के अराउंड रखना है, 100 प्लस के अराउंड रख लिया, 100 प्लस कर देना है। सिचुएशन में गाइस हम लोग 30 के अराउंड रखेंगे और ल्यूमिनस को गाइस हम लोग 88 के अराउंड रखेंगे, 88 प्लस के अराउंड। आप लोग गाइस ल्यूमिनस को अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद गाइस हम लोग को उसके बाद वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस इसको हम लोग को 0 रखना है, 0 0 0। उसके बाद ब्लू वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम लोग को 17 के राउंड रखना है, यहाँ पर देख सकते हो 17 माइनस के राउंड। उसके बाद गाइस सिचुएशन को 48 प्लस रखेंगे हम लोग, आप देख सकते हो मैंने सिचुएशन को 48 प्लस रखा है। लिमिट से गाइस हम लोग 90 के राउंड रखेंगे, 90 प्लस। लिमिनस गाइस मैंने 90 प्लस के राउंड रखा है और गाइस उसके बर्गर ऑप्शन पे आने के बाद हम लोगों को इसको गाइस ह्यू को 65 प्लस के राउंड रखेंगे, 65। हाँ तो गाइस 65 प्लस का। उसके बाद गाइस सिचुएशन को 100 माइनस कर देंगे पूरा फुल्ली। उसके बाद गाइस हम लोग को लिमिनस पे आने के बाद 80 प्लस के राउंड रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको 80 प्लस के राउंड रखूँगा यहाँ पर, हाँ वैसे इतना रखा हूँ। इस यहाँ पर आप लोग देख लो हमारे फोटो में है बिफोर देन आफ्टर, बिफोर देन आफ्टर। गाइस हमारे फोटो में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक आ चुका है। अब गाइस इस फोटो को हम लोग गैलरी में से कर लेंगे सेव। गैलरी में सेव करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को एक और वापस गाइस शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। इस फोटो को हम लोग सिंपल से पिक्सार्ट में कर देंगे शेयर यहाँ से। और वैसे आप लोग को पिक्सार्ट एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली उसको ले सकते हो अपने फ़ोन में। गाइस पिक्सार्ट में आने के बाद हम लोग को सिंपल से वो वाला फोटो ओपन हो जाएगा। वो वाला फोटो ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग ऐड फोटो का ऑप्शन आएगा, एक ऐड फोटो में आ जाना है। ऐड फोटो में आने के बाद यहाँ पर एक बैकग्राउंड है, हाँ तो गाइस ये वाला जो PNG है गाइस इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हो अपने फ़ोन में इजीली। और यहाँ पर देख सकते हो इस ऐसे गाइस हम लोग को फ़ोन के आगे इसको मैं लगा देता हूँ, आप लोग वैसे अपने हिसाब से जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ आप लोग लगा सकते हो। और मैं जल्दी से इसको अच्छे से लगा देता हूँ, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम लोग को अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक यहाँ पे लग रहा है देखने को। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को लगा देता हूँ। उसके बाद गाइस आपको बगल में एक सही का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, गाइस इस पर आपको जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से गाइस आपको बगल में एक सही का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस तरह का एरो बना गया इस वाइट में, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आ जाने के बाद गाइस आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव पे आ जाएगा। फिर गैलरी पर आ जाने के बाद आपका फोटो हो जाएगा इस गैलरी में, मतलब आपका फोटो जो है इस गैलरी में सेव हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैं फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लुक लग रहा है, और इस टाइप से आप लोग अपने फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पिक्सार्ट की मदद से बना सकते हो एंड लाइट रूम की मदद से। आई होप गाइस कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर गाइस आज का वीडियो आप लोग पसंद आया है तो करना कुछ भी नहीं है, हमारे वीडियो को सिंपल से कर देना है एक लाइक और चैनल को साथ साथ कर देना है सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है गाइस नाइस। अच्छा अपने वैसे जो भी आपको कैसे अच्छा लगे हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा गाइस आप लोग मुझे माफ़ कर देना क्योंकि गाइस इस वीडियो में ज़्यादा उतना अच्छे से नहीं बता पाया, बिकॉज गाइस आप लोग इस वीडियो का ड्यूरेशन नीचे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही लंबा हो चुका था, इसलिए गाइस मैं इस वीडियो में उतना एक्सप्लेन नहीं कर आया और आप लोगों को अच्छे से नहीं बता पाया, तो इसलिए गाइस मुझे दिल से सॉरी आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद वंदे मातरम।